अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम MTH 301 असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन देखेंगे। तो इसमें फंक्शन देता है f(x, y) = x² + y² - x² / y² / x² + y² और कंडीशन क्या देता है, इफ़ x, y ≠ 0, 0, मतलब 0 और 0 पे ये वाला फंक्शन लाई नहीं करता इफ़ x, y ≠ 0, 0 के, ठीक है। सेकंड कंडीशन में देता है 1 इफ़ x, y = 0, 0। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में वो 1 वैल्यू दे रहा है जो कि सेटिस्फाई करती है x, y 0, 0 पे, ठीक है। मतलब 0, 0 पुट करें तो उनका जो आंसर आएगा वो 1 बनेगा। तो आइए हम लिमिट अप्रोच करके इसको वेरीफाई करते हैं। तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने बताना है ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, प्लीज शेयर विद योर फेलोज, थैंक यू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं पहले फंक्शन पे x² + y² - x² इस वाले पे, ठीक है। तो लिमिट x, y अप्रोचेज टू 0, ठीक है। दोनों वैल्यूज जब अप्रोचेज टू 0 होंगी, साथ में हम क्या करेंगे, लिमिट x, y की जो वैल्यू होगी अप्रोचेज टू 0, साथ में फंक्शन लिख देंगे x² + y² - x² / y² / x² + y²। अगर हम x की और y की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपली 0 बन जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यूज़ में 0, 0 आ जाएगा। तो 0/0 मतलब 0, ठीक है। मतलब लिमिट अगर हम चेक करें तो उसकी आंसर जो हमारे पास आया वो क्या है, 0। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। आल्सो वो कह रहा है 1 वैल्यू होगी जब x, y = 0, 0, मतलब 0 और x और y की अगर 0, 0 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1, लेकिन लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ये आपस में दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हैंस फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूअस, क्योंकि अगर दोनों सेम होती हैं तो कॉन्टीन्यूअस कहते हैं, अगर डिफरेंट है तो क्या कहेंगे, डिसकॉन्टीन्यूअस है। एज 1, 2 नॉट सेम एट गिवन फंक्शन वैल्यू इज 1, वेयर द लिमिट वैल्यू फंक्शन इज 0। लिमिट वाली हमारे पास 0 आई है और जो गिवन वैल्यू 1 आई है, ठीक है, वो हमारे पास 1 गिवन है। तो सेकंड क्वेश्चन है एफ ऑफ x, y = x²- x² लेट, इसका हम क्या करते हैं, इसमें उसने कहा चेन रूल का यूज़ करके हमें टी में वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में कह रहा है, तो लेट में कर लेता हूँ f, x, y जो है वो w के बराबर है, ठीक है। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, w = x, y² - x² तो हम फाइंड करते हैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम दोबारा फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट x लें तो हमारे पास x जो था वो 1 हो जाएगा, तो y² आ जाएगा, माइनस x² का अगर हम डेरिवेटिव लें तो क्या होता है, डेरिवेटिव में 2 पहले आ जाएगा और एक वैल्यू कम होगी तो वो x 2x आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में देखें तो y के लिहाज से अगर हम उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आएगा, x तो वैसे का वैसे 2 पहले आ जाएगा, y में से एक कम, मतलब 2xy बन जाएगा, क्या आ जाएगा, 2xy माइनस x² है तो x क्योंकि कांस्टेंट है तो इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0।
तो विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2xy। ठीक है, अभी हमारे पास दो फंक्शन और दिए हुए थे, x इक्वल टू टी की 3 और एक दिया हुआ था y इक्वल टू टी की 3t2। तो ये जो x है x इक्वल टू टी की 3, इसका हम अगर t के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आएगा, डेल एक्स और डेल टी इक्वल टू 3t2। ठीक है, डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, पावर पहले, पावर में से एक कम, 3 पहले, 3 में से एक कम, t2 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t के, 3t2 है। अभी हमारे पास ये वाला फार्मूला चेन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बुक में गिवन है, टी आ जाएगा, 6t आ जाएगा। डेल डब्ल्यू और डेल टी इक्वल टू आ जाएगा डेल डब्ल्यू और डेल एक्स, डेल एक्स और डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू और डेल वाई मल्टीप्लाई बाई डेल वाई और डेल टी। ठीक है, इनके ऊपर हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं तमाम फंक्शन की, तो वो अभी पुट करेंगे। तो देखें हमारे पास जो डेल डब्ल्यू और डेल एक्स की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 2x, और डेल एक्स और डेल टी के हमारे पास वैल्यू क्या थी, 2xy। ठीक है, और इसी तरह डेल डब्ल्यू और डेल वाई के हमारे पास जो वैल्यू थी 3t2, और लास्ट वाली डेल वाई और डेल टी की हमने क्या निकाली है, 6t। ठीक है, ये हमने पुट कर दी। तो वाई स्क्वेयर, अभी हमने उसने आंसर में क्या उस क्वेश्चन में कहा था, आंसर उसको टी में चाहिए। ठीक है, हमने एक्स और वाई को क्या करना है, साकित कर देना है। ठीक है, एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म करना है। तो वाई स्क्वेयर है, तो वाई स्क्वेयर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 9t4। कैसे, अभी आपको ले चलता हूँ मैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, ये देखें 4। तो वाई हमारे पास क्या था, वाई इक्वल टू 3t2। वाई स्क्वेयर है तो इसका स्क्वेयर लेंगे तो 3/3, 9t2/t2 t4, मतलब क्या आ जाएगा, 9t4। ठीक है, ये 9t4 माइनस 2x, एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू क्या है, टी की 3, 2x है तो क्या हो जाएगा, 2t3। ठीक है, तो इसी तरह मैंने 2t3 लिख दिया एक्स की जगह, साथ में 2xy, x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, t3, और y की वैल्यू क्या थी, 3t2। ऊपर ये वाली वैल्यू दी हुई है, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t3, और y की जगह क्या लिखेंगे, 3t2। ठीक है, तो प्लस 3t2 वैसे का वैसे, और 6t भी वैसे का वैसे। अभी हम क्या करते हैं, 2t3 और 3t2, इसको हम मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, और t2 जो है, t क्या बन जाएगा, 5, क्योंकि आपस में मल्टीपल लूँ तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 6t5 को मल्टीपल कर देंगे 9t4 माइनस 2t3 के साथ, 6 9 6 40 54, और t4/t5 आपस में ऐड होके क्या बनेगी, t9, 2 6 12, t3 और t5 t8। ठीक है, माइनस 12 t8 प्लस 3 6 क्या बना था, 18 t3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मज़ीद आपने अपना जो भी आंसर है, ये मैंने आपको बताया है किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, मज़ीद आपने खुद, कोई गलती हो सकती है, बंदा इंसान है। ठीक है, आपने खुद बुक के मुताबिक भी देख लेना इसका आंसर, मज़ीद आपने खुद सॉल्व करने की भी ट्राई करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।